नमस्कार दोस्तों, करियर डचम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर डचम। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल वीडियो पे क्लिक करके सेव कर लें। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पर बात करेंगे कि HDFC बैंक में जॉब कैसे पाए या HDFC बैंक में जॉब कैसे मिलता है। इस पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि HDFC बैंक में जॉब कैसे मिलती है। देखो जी, HDFC बैंक जो है बेसिकली वो एक प्राइवेट बैंक है, और प्राइवेट बैंक कुछ प्राइवेट बैंक है जो IBPS के थ्रू भी सिलेक्शन लेते हैं, उसमें HDFC का भी नाम है कि जो बैंक PO या क्लर्क लेवल की कुछ जॉब, सारे जॉब नहीं, कुछ जॉब है जो IBPS के थ्रू भी वो ले लेता है इमरजेंसी में। और कुछ मैक्सिमम टाइम वो क्या करता है कि अपने खुद के पर्सनल इंटरव्यूज से भी वो बड़े लेवल पे हायरिंग करता है। जैसे बड़े लेवल पे जैसे क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर हो गया, उसके अलावा अकाउंटेंट हो गया, उसके अलावा जो मतलब क्वेरी सॉल्व करने वाले बंदे होते हैं वो हो गया, वेब डेवलपर हो गया, डिजिटल मार्केटर हो गया, सोशल मीडिया मैनेजर हो गया। तो ये सारे जो पोस्ट है ना वो HDFC बैंक ऑफलाइन कैंपस में अपने हायर करता है, चाहे नियरेस्ट किसी भी ब्रांच में देख सकते हो। मैं HDFC की वेबसाइट का जो करियर वाला पेज है मैं डाल दे रहा हूँ, जो रिसेंट करंट ओपनिंग्स है वो भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं बैंक में, क्योंकि बैंक का ऑपरेशन जो होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है और बहुत ही सिक्योरिटी पर्पज से बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि बैंक का कोई भी डेटा अगर लीक हो गया मार्केट में तो उसके लिए मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलिए बात करते हैं कि इंजीनियरिंग में किन लोगों की जॉब होती है। इंजीनियरिंग में बीटेक वाले अच्छी खासी जॉब कर सकते हैं, वहां पे मैनेजर तक बन सकते हैं बीटेक वाले, डायरेक्टली 2-4 साल एक्सपीरियंस का इंडस्ट्री में या किसी बैंक अदर बैंक का एक्सपीरियंस हो तो HDFC बैंक डायरेक्ट उनको मैनेजर की पोस्ट पे रखता है और अच्छी खासी सैलरी 50,000, 55,000, 60,000 स्टार्टिंग की सैलरी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा बात करते हैं कि BA वालों के लिए, BSc वालों के लिए भी वहां पे जॉब है। BA BSc वाले भी वहां पे एज एग्जीक्यूटिव लेवल पे स्टार्ट करके, कस्टमर एग्जीक्यूटिव लेवल पे स्टार्ट करके अपना करियर बना सकते हैं। फोन बैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनके फोन बैंकिंग ऑफिसर्स भी बन सकते हो आप, और वहां पे मतलब आप करियर बना के अच्छा खासा कमा सकते हो और अच्छा खासा अपनी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। तो HDFC बैंक जो है वो बेसिकली नोटिफिकेशन जारी करता है कि आप आओ, और अच्छी डिजर्विंग कैंडिडेट्स को वो ऑब्वियसली हायर जरूर करता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, आप HDFC बैंक में काम करना चाहते हो, किसी भी बैंक में काम करना चाहते हो, तो मतलब आप जा सकते हो। और एक चीज और मैं बता दूं बैंक की जॉब की, अगर आप HDFC ICICI ऐसे बड़े बैंकों में काम करते हैं ना, तो वहां से जॉब करते करते आप इंटरनेशनल लेवल के बैंक में जा सकते हो। इंटरनेशनल लेवल के बैंक में जाके अदर कंट्री में जाकर के वहां पे आप करोड़ों रुपया अर्न कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में बैंकिंग का क्रेज और बढ़ेगा, प्राइवेट बैंक और आएंगे मार्केट में, इन्वेस्टर आएंगे तो प्राइवेट बैंक आएंगे और वैकेंसीज भी वहां पे आती रहेंगी। सॉफ्टवेयर फील्ड से रिलेटेड चीजें हैं, IT से रिलेटेड चीजें यहाँ पे बहुत सारे काम करती हैं। जहाँ पे ऐप डेवलपर है, एक अच्छा खासा ऐप की नॉलेज हो तो आप ऐप डेवलपमेंट में अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हैं HDFC बैंक में। और वहां पे फिर मैंने बताया कि वेब के वैसे वेब डेवलपर की जरूरत है, फ्रंट एंड बैक एंड सारे चीजों मतलब पूरी IT डिपार्टमेंट काम करता है। हमें वो बैंक जो सामने जो बैंक दिखता है उसके पीछे जो टीम काम करती है वो एक बड़ी टीम होती है। हमें तो वहीं पे दिखता है कि अकाउंटेंट है, पैसा जमा किया निकाला, फिर किसी से क्लाइंट लोन के लिए काम बात किया, उसके अलावा जो आपको ईमेल रिसीव होते हैं, आपको मैसेज आते हैं, ऐप पे जहां आप नेट बैंकिंग चालू करते हैं उसके लिए पूरी एक डेडिकेटेड टीम होती है, और उस डेडिकेटेड टीम में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बंदों की बहुत खासी जरूरत होती है। तो वहां पे आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं HDFC बैंक करियर का, यहां पे आप देख सकते हो कि HDFC बैंक में करियर बनाना कितना आसान है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।